हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। गाइस, कि आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे रख देना है डेली इस तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। नेक्स्ट हमें करना क्या गाइस, हम लोग को पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना। पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद करना क्या मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना है तो वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखते रहना गाइस। आप भी कुछ आराम से कुछ इस तरह से अपना फोटो बना सकते हो। पहले तो यहाँ से हम लोग को टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग को डिलीट कर लेना है। अब करना क्या, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज पर क्लिक करके हम लोग को कस्टम दिख रहा है गाइस, इस पर क्लिक कर देना, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर लेना है। तो मैं YouTube चैनल पे क्लिक करके कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और बैकग्राउंड नॉइस के लिए गाइस मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना और वीडियो में सिर्फ फोकस करो गाइस, आपका कुछ इस तरह से फोटो हो जाएगा। अब इस तरह से करने के बाद करना क्या, पहले तो हम लोग को प्लस वाले सेक्शन पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना है और हम लोग को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, कुछ इस तरह से यानी कि कवर कर लेना है ग्रीन कलर को और यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। अब करना क्या है, फिर से हम लोग को चल जाना है यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे यानी कि प्लस वाइज क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से पहले तो हम लोग को कलर को चेंज कर लेना है, तो मैं यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ये रहेगा। इसको करने के बाद कुछ इस तरह से अच्छे से आपको सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से मैं देख लेता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ से डन कर लेना। डन करने के बाद करना क्या है, हम लोग को ए के बगल वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करके फिफ्थ वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से डन कर लेना है। फिर हम लोग को यहाँ से कॉपी कर लेना है और एक हम लोग को इस वाले पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है। कुछ इस तरह से फुल करने के बाद करना क्या मैं बता देता हूँ, यहाँ से हम लोग को और इसको कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके ये वाला डॉट पे क्लिक करके इतना अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। फिर हम लोग को रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करके फिफ्थ वाले आइकन पे क्लिक करके डन कर लेना है। फिर हम लोग को एक कॉपी कर लेना है और इसको भी कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ फटाफट से, देख सकते हो। फिर हम लोग को फिर से हम लोग चल जाना रिलेटिव पोजीशन पे और यहाँ से फिफ्थ वाले आइकन पे क्लिक करके डन कर लेना है। अब करना क्या है, हम लोग को यहाँ से हम लोग को लेयर वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से तीनों आइकन यानी कि तीनों लेयर को हम लोग को मर्ज कर लेना है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। तीनों को मर्ज करने के बाद करना क्या है, यहाँ से बैक हो जाना है, फिर से रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करके हम लोग को फिफ्थ वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है। फिर करना क्या है, यहाँ से हम लोग को चल जाना है लेयर वाले आइकन पे, यहाँ से पहले तो कॉपी कर लेना है, सॉरी लेयर वाले आइकन को मैं बंद कर लेता हूँ। फिर से यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर हमको इस वाले पार्ट पर क्लिक करके करना क्या है, आप ध्यान से देखना गाइस। यहाँ से पहले तो हम लोग क्रॉप पे चल जाना है, फिर यहाँ से हम लोग को ये वाले सेक्स पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है जो कि इधर मूव हो जाएगा और इधर से हम लोग को सिर्फ टू पार्ट को चाहिए और यहाँ से डन कर लेना है। फिर हम लोग को रिलेटिव एंड पोजीशन पे क्लिक कर देना है। फिर हम लोग को फिफ्थ वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का हो जाएगा गाइस हम लोग का बैकग्राउंड, यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। फिर यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह का हो जाएगा बैकग्राउंड। अब करना क्या है, पहले तो हम लोग को यहाँ से चल जाना है रिलेटिव पोजीशन पर, यहाँ से हम लोग को 20 पे कर लेना है। फिर हम लोग को इस पर क्लिक करके हम लोग को दोनों लेयर को मर्ज कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ फटाक से। इधरों को मैं मर्ज कर लिया हूँ, देख सकते हो गाइस। मर्ज करने के बाद करना क्या है, रिलेटिव पोजीशन में जाकर हम लोग को 20 पे सेलेक्ट कर लेना है। अब करना क्या है, हम लोग को यहाँ से शैडो पे क्रिएट कर लेना है। शैडो पे क्लिक करने के बाद इनेबल कर लेना है और यहाँ से हम लोग को कुछ इतना रख लेना है, 8 के अराउंड, इतना नहीं गाइस, मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ इतना रखने के बाद करना क्या है, यहाँ से डन कर लेना है। फिर हम लोग को चल जाना है यहाँ से, अभी यहाँ से हम लोग को इसको भी मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद करना क्या है, हम लोग को इसको भी सेंटर में कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हम लोग को करना क्या है, कुछ इस तरह से दोनों फिंगर से हम लोग को जूम कर लेना है। फिर हम लोग को इरेज कलर पे चल जाना है, इनेबल कर लेना है और देख सकते हो कुछ इस तरह का हो जाएगा हम लोग का बैकग्राउंड। अब करना क्या है, फिर हम लोग को इस पर क्लिक करके
ये वाला कलर कर लेना है और यहाँ से डन कर लेना। फिर से हम लोग इस तरह से हो जाएगा गाइस। फिर करना क्या है, फिर से हम लोग चल जाना है, फिर से हम लोग चल जाना प्लस वाले सेक्शन पे, फ्रॉम गैलरी और फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ फोटो को ऐड फटाक से। देख सकते हो मैंने ऐड कर लिया है, यहाँ से डन कर लेना है और कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। अब करना क्या क्या है, यहाँ तो पहले हम लोग को फोटो ये वाले लेयर को लॉक कर लेना है, उसके बाद हम लोग को ये फोटो वाले लेयर यानी कि आप जो फोटो सेलेक्ट किए उसको लेयर को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से डाउन कर देना। देख सकते हो बैक चल जाएगा। फिर करना क्या है आपको, कुछ इस तरह से अच्छे से आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो गाइस। और यहाँ से करना क्या है फोटो को सेव करने के लिए, यहाँ से पहले मैं लेयर को बंद कर लेता हूँ, फिर यहाँ से शेयर ये प्लस वाला के बगल वाला आइकन पे क्लिक करके सेव एस इमेज पे क्लिक करके यहाँ से कस्टम पे अल्ट्रा कर लेना, सेव टू गैलरी कर लेना, फोटो हो जाएगा सेव। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स से बताना ना भूलना। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे रख देना है डेली इसी तरह का कॉन्टेंट देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय।